नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। आज हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं अजम्पशंस ऑफ लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। इसके लिए जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने 100 स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट किया है और वो ये जानना चाहते हैं कि रिवीजन का एग्जाम परफॉर्मेंस के साथ कोई रिलेशन है या नहीं है। तो इस तरीके से तीन वेरिएबल लिए हैं, तीनों के तीनों वेरिएबल्स ही हमारे मैट्रिक हैं, क्योंकि रिग्रेशन एनालिसिस में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैट्रिक फॉर्म में या कंटिन्यूस डेटा ही हमारे पास होना चाहिए। तो इसके जो बेसिकली जो तीन एजम्पशंस हैं, पहला एक तो है लिनियरिटी ऑफ द फिनोमिना मेजर्ड, दूसरा नॉर्मलिटी ऑफ द एरर टर्म और तीसरा कॉन्स्टेंट वेरियंस ऑफ द एरर टर्म्स। तो ये जो लिनियरिटी देखना है वो हमें एरर टर्म का देखना है, नॉर्मलिटी भी एरर टर्म का, और जो वेरिएंस है जिसे हम होमोस्कडास्टिसिटी कहते हैं वो भी हम एरर टर्म की देखेंगे। चौथा अजम्पशन है इंडिपेंडेंस ऑफ द एरर टर्म, मतलब ये जो ऑटो कोरिलेशन या टाइम सीरीज डेटा जो होता है उसमें हम ये ऑटो कोरिलेशन निकालते हैं कि एक जो हमारा एरर टर्म है वो प्रीवियस या आने वाले से वेरिएबल से वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो ये वाला हम अपने इस केस में नहीं लेते हैं क्रॉस सेक्शनल डेटा में। तो क्रॉस सेक्शनल डेटा में तीन ही हम निकालते हैं एजम्पशंस। अभी देखिए, ये जो एरर टर्म है जिसका हम लीनियरिटी, नॉर्मलिटी और जो कांस्टेंट एरर जो देख रहे हैं वो इनका देख रहे हैं। ये जो ये हमारा आ जाएगा, ये वाला जो है एस्टिमेटेड और ये ऑब्जर्व्ड एक्चुअल बिहेवियर, ये इनका डिफरेंस है। तो जितना एक्चुअल या ऑब्जर्व वैल्यू इसके हमारे फिटेड मॉडल के आसपास होगी, मान लीजिए यहाँ है, तो ये एरर टर्म या रेजिडुअल कम होगा। तो ये बेसिकली इसी का हम लोग जो है एरर टर्म का एजम्पशंस चेक करते हैं। अब इसमें देखिए, सबसे पहला है लीनियरिटी ऑफ द फिनोमिना, ये फाइंड इक्वली स्प्रेड रेजिडुअल अराउंड ए हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके सारी वैल्यू जीरो वाली वैल्यूज के आसपास होनी चाहिए। ये देखिएगा, जैसे हमारे पास जो डेटा है इस डेटा में ये आ गया। ठीक, तो ये जो रेड जीरो जो वैल्यू है इसके आसपास सारे ऑब्जर्वेशन होने चाहिए, तब हम कहेंगे कि डेटा हमारा जो है लीनियर है। तो इसमें देखिएगा, सारा डेटा जो है हमारा पैरेलल है, तो ये डेटा हमारा लीनियर है। दूसरा जो है वो है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी के लिए हम देखेंगे यहाँ पर कि ये प्लॉट जो शो कर रहा है, रेजिडुअल्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, रेजिडुअल्स या एरर टर्म होने चाहिए हमारे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये जो लाइन है स्ट्रेट डैश लाइन, सारे वेरिएबल्स इसके ऊपर हमारे होने चाहिए। ये देखिएगा, ये हमारा जो है लाइन, डॉटेड लाइन, सारे ऑब्जर्वेशंस अगर हमारे इसके ऊपर होंगे एरर टर्म के, तब हम कहेंगे डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, परफेक्ट। लेकिन ये थोड़ा सा डेटा डेविएट हो रहा है, तो ये परफेक्ट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा हमारा नहीं है। तीसरा जो एजम्पशन है इसका वो है कॉन्स्टेंट वेरियंस ऑफ द एरर टर्म, मतलब होमोस्कडास्टिसिटी की हम बात कर रहे हैं। और इसमें ये लिखा है, दिस प्लॉट शोज हाउ रेजिडुअल्स आर स्प्रेड इक्वली अलोंग द रेंज ऑफ प्रिडिक्टर्स। वो जो रेंज है उसमें वो नॉर्मली जो है रेंज में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जैसे ये देखिए, यहाँ से जो है आ रहा है हमारा, जितना डेटा बिलो है उतना अबाव भी है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डेटा में होमोस्कडास्टिसिटी है। इसके बाद जो हमारा इन्फ्लुएंशियल केसेस, अगर मान लीजिए हमको फाइंड करना है कि क्या कोई इन्फ्लुएंशियल केसेस हैं हमारे डेटा में या नहीं, क्योंकि वो कोई भी एक एक्सट्रीम केसेस या आउटलायर पूरे डेटा के नेचर को चेंज कर देता है। तो ये हमारा जो है कुक्स डिस्टेंस के थ्रू हम इसको समझेंगे, और कुक्स डिस्टेंस ये बताती है कि डेटा अगर हमारा, ये कुक्स डिस्टेंस है, अपर राइट ट्राइंगल ये कुक्स डिस्टेंस है, लोअर राइट ट्राइंगल ये भी कुक्स डिस्टेंस इसको हम कहते हैं। अगर ऑब्जर्वेशन कोई भी हमारा केस इसके अंदर आ जाता है, अपर राइट ट्राइंगल के अंदर या लोअर राइट ट्राइंगल के अंदर, तो हम कहते हैं कि हमारा डेटा जो है ये इन्फ्लुएंशियल केसेस इसमें है। अभी ये भी हम इन्फ्लुएंशियल केसेस कह सकते हैं या इनको एक्सट्रीम केसेस भी कह सकते हैं, लेकिन ये उतना ज़्यादा अभी हमारे स्टडी को अफेक्ट नहीं कर रहे।
अगर मान लीजिए ये 75 नंबर का ऑब्जर्वेशन और 80 नंबर का ऑब्जर्वेशन इसके अंदर होता, तब हमें इन दोनों आउटलायर्स को डिलीट करना होता अपने डेटा से, लेकिन अभी हमें इसकी कोई आवश्यकता इसकी नहीं है। और डेटा का जो हम देख रहे हैं जो ट्रेंड है वो भी ऑलमोस्ट बिल्कुल पैरेलल है जीरो लाइन के, तो इस डेटा में उतना हमारे पास जो है हम ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा आउटलायर नहीं है जिसको हम डिलीट करें। इसके बाद अगर मान लीजिए हमें ये सारा जो वेरिएबल्स हैं इनको इकट्ठा भी लाना है, ठीक है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे पास जो डेटा है ये, इसी डेटा पे हम इसको यहाँ पे लिख देंगे। देखिए अगर चारों ग्राफ को हमें एक साथ लाना है तो प, और इसमें हम देखेंगे m fro, मैं चाहूँ तो इसको कॉपी करके यहाँ भी इसको मैं लिख देता हूँ जिससे हम टाइम की बचत कर सकें। ये कॉपी हो गया, तो इस तरीके से देखिए हम इस डेटा को जो है, इस डेटा से जो हमारे एज्यूम्पशन हैं उसके प्लॉट्स हम कर सकते हैं। इसके साथ जो है देखिए हमने सारा जो डेटा है हमारा, वो डेटा जो मॉडल में, ये जो मॉडल है प्लॉट और ये है मॉडल, अब सारे जो ग्राफ्स हैं वो एक साथ आ जाएंगे। ये देखिए तो ये जो हमारे पास चारों के चारों जो प्लॉट्स हैं वो एक साथ आ गए, जिसमें ये वाला लिनियरिटी के लिए है, पहला जम्पशंस फुलफिल हो रहा है, सेकंड नॉर्मलिटी के लिए, थर्ड होमोस्कडास्टिसिटी के लिए, और ये जो चौथा है ग्राफ ये इन्फ्लुएंशियल केसेस के बारे में बता रहा है। तो इसी डेटा को जो है हम एक साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं। और वापस अगर हमें मान लीजिए सिंगल ग्राफ हमें फिर से अगर कोई दिखाना है तो उसमें हम जो है वापस फिर इस तरीके से इसको कर सकते हैं। इस कमांड को देखिए हम लेंगे, कॉपी करके मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, और फिर दोबारा से हम कोई भी अपना जो ग्राफ बनाएंगे वो इंडिविजुअल आएगा। ये देखिए इसके बाद जो है इंडिविजुअल आएगा, यहाँ हमने प्लॉट लिखा और प्लॉट के बाद मॉडल, और अब हमारे पास जो ग्राफ आएंगे वो सारे इंडिविजुअल आ जाएंगे। ये देखिए, ठीक, थैंक यू वेरी मच।